जन्म लो है, कोई इतने से भी दान से जाते बुलेटिन की शुरुआत आज हम तीन तस्वीरों के साथ कर रहे हैं और ये तीन तस्वीरें जी न्यूज की सच की कोशिश को दिखाती हैं। कठुआ का सच हमने आपको दिखाया और हाथरस का सच हम आपको दिखा रहे हैं। इससे जुड़े हुए हर पहलू को हमने आपके सामने रखा है, चाहे वो पीड़ित का पक्ष हो, चाहे वो आरोपी का पक्ष हो, चाहे वो प्रशासन पुलिस का पक्ष हो। और बलरामपुर केस में भी हम न्याय दिलाएंगे। भले ही बलरामपुर में जाने के लिए न तो चैनल्स के पास वक्त है, न ही नेताओं के पास फुर्सत है, लेकिन बलरामपुर में भी जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ जी न्यूज की जो कोशिश है सच आपके सामने लाने की, वो जारी रहेगी। क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो खबर का हर पहलू है वो आप तक पहुंचाया जाए, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो पहले कठुआ रहा हो या फिर हाथरस। तो हाथरस मामले में हम आपको लगातार एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमने 10 एक्सक्लूसिव सबूत दिखाए, कॉल डिटेल से हमने शुरुआत की और ये कॉल डिटेल्स जो कि पीड़िता और आरोपी के बीच हुई, वो कॉल डिटेल्स हमने आपको दिखाई। कितने घंटे ये बातचीत होती थी दोनों के बीच, FIR की कॉपी हमने आपको दिखाई, हलफनामा जो कि सरकार की ओर से दाखिल किया गया कोर्ट में, उसमें क्या अहम बातें रहीं वो हमने आपको कल दिखाई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपके सामने रखी, पीड़िता का बयान, पीड़िता के परिवार का बयान, आरोपी के परिवार का बयान, पुलिस का बयान, चश्मदीद की गवाही, घटनास्थल की तस्वीर, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो पक्ष भी आपके सामने। आप देख रहे हैं ये कॉल डिटेल से हमने शुरुआत की थी और सबसे पहले ये जो खबर है ये आपने जी न्यूज पर ही देखी थी, FIR की कॉपी, हलफनामा, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता का बयान, परिवार का बयान, आरोपी का जो परिवार है वो क्या कह रहा है अपने पक्ष में, पुलिस की ओर से क्या बातें कही जा रही है, उनकी ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं, चश्मदीद की गवाही से लेकर घटनास्थल की तस्वीर, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और जी न्यूज के सबूत से खुलेंगे हाथरस के राज। जी न्यूज के पास सबूत नंबर एक, आरोपी की कॉल डिटेल्स, लोकेशन, बातचीत से सच सामने आएगा। तो ये जो कॉल डिटेल्स हैं ये हमने आपको दिखाई थी। जी न्यूज के पास सबूत नंबर दो, पीड़िता परिवार का बयान, घटना से जुड़ी कई जानकारी सामने इसके जरिए आई हैं और आगे भी आएंगी। जी न्यूज के पास सबूत नंबर तीन, आरोपी के परिवार का बयान, जो आरोपी हैं वो क्या कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच और दूसरे पक्ष का भी सच सामने आएगा। क्योंकि जब तक हम सभी पक्षों को नहीं देख लेते हैं तब तक हम सच तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी न्यूज के पास सबूत नंबर चार, गांव वालों का जो बयान है वो भी हमने आपको सुनाया, गांव वाले क्या बता रहे हैं, पीड़िता और आरोपी के बीच जो संबंधों की बात की जा रही है वो भी हमने आपको सुनाई, पीड़िता परिवार आरोपी के दावों का सच जो है वो सामने आ रहा है। तो ये सारे जो दावे हैं जो पीड़िता के परिवार की ओर से किए जा रहे हैं, जो आरोपी के परिवारों की ओर से किए जा रहे हैं, वो भी हमने आपको दिखाए हैं। और पीड़िता की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो कहा जा रहा था कि जीप काट दी गई, वो जो खबर फैलाई गई थी, जो झूठी अफवाहें फैलाई गई थी, उसकी पोल भी खुल गई है। तो रेप, गैंगरेप और तमाम झूठी अफवाहों का जो सच है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। विशाल हमारे साथ हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। विशाल, लगातार आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं और वो तमाम सबूत एक एक करके जो मैं बता रही थी अभी, वो चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो FIR है, हलफनामे के बारे में हमने जो जानकारी दी, ये सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि जो खबर का हर पहलू है, जो जानकारी है, जो तथ्य है, वो कहीं पीछे ना छूट जाए।
बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि देखिए हाथरस की जो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, अगर उसको न्याय दिलाना है तो हमें सभी पहलुओं पर ध्यान जरूर देना होगा, सभी तथ्यों को बाहर लेकर आना होगा। और इसीलिए आप देखिए लगातार जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे हम चाहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इन सबका भी सहारा लें, क्योंकि पीड़िता को न्याय दिलाना है। और आप इसमें देखिए जो हमारा सबसे पहला खुलासा था CDR का, कॉल डेटा रिकॉर्ड, आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच में बातचीत होती थी। हालांकि जब मैंने इसके बारे में सवाल पूछा पीड़िता के बड़े भाई से तो उन्होंने कहा मेरी बातचीत नहीं होती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है फिर पीड़िता के भाई के फोन से आरोपी संदीप से कौन बातचीत करता था। ये लगभग 5 घंटे की बातचीत है अक्टूबर 2019 से लेकर 3 मार्च 2020 तक, नंबर एक। नंबर दो, जो FSL की मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें रेप की पुष्टि नहीं की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में भी यूपी सरकार ने कहा है। नंबर तीन, जो रामू एक आरोपी बनाया गया है, रामू की माँ कहती है कि सुबह 7 बजे उसका बेटा चला जाता है डेयरी पर, प्लांट पे काम करने, और जब हम डेयरी पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये दावा किया जाता है तो वहाँ डेयरी के मालिक ये कहते हैं सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रामू डेयरी प्लांट में मौजूद था, हाजिरी रजिस्टर में उसकी उपस्थिति भी दर्ज की गई है। वहाँ पर जो साथ में काम करने वाले लड़के हैं उन्होंने कैमरे पर तो बातचीत नहीं की, लेकिन ये कह रहे थे उन्हें जहाँ भी बयान देना होगा, जो भी हलफनामा देना होगा, वो ये बताने के लिए तैयार है कि रामू सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक डेयरी प्लांट में मौजूद था जिसे आरोपी बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना सुबह 9:30 बजे की बताई गई है, जो पहली FIR 14 सितंबर को हुई थी उसमें 9:30 बजे घटना का समय दर्ज है। तीसरा, जो लवकुश एक आरोपी बनाया गया है, लवकुश की माँ ने जी न्यूज से बातचीत में बताया जहाँ ये घटना हुई थी वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक खेत में लवकुश अपनी माँ के साथ चारा काट रहा था। देखिए विशाल, हाथरस केस में जी न्यूज ने कॉल डिटेल के जरिए खुलासा किया, जैसे कि आप बता रहे हैं, जिसमें आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच बातचीत का खुलासा किया गया। पीड़ित के भाई के फोन नंबर पर आरोपी की 6 महीने में करीब 5 घंटे तक की ये बातचीत हुई। कठुआ हो या हाथरस, सच सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज ही देश के सामने लेकर आया है, जहां बाद में कोर्ट ने भी जी न्यूज की खबर पर मुहर लगाई है और बाकी चैनलों के झूठ पर जी न्यूज का ये सच भारी पड़ गया। हाथरस केस में अब हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े खुलासे। पीड़िता और आरोपी के परिवार में होती थी अक्सर बातचीत, कॉल डिटेल्स से हुआ घंटों बातचीत का खुलासा। गांव वालों के मुताबिक पीड़िता और आरोपी परिवार के लड़के के बीच प्रेम संबंध थे। जी हां, हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है वो अब बेहद चौंकाने वाला है। सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात कि ये बातचीत घंटों होती थी। आगे हम आपको कॉल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए ये बातचीत क्यों होती थी। प्रेम संबंध था पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रुक, बांध के लड़की तू रुक। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज़्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुना ही सुनाया था प्रेम संबंध की बात। अब सच क्या है इस पर हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन जी न्यूज के पास वो कॉल डाटा रिकॉर्ड है जिसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। अब आपको कुछ गांव वालों की बातें सुनाते हैं जो इस मामले में छिपे कुछ सच को सामने लाता है। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर केन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को हमारे ही यहाँ था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ त्याड़ी मजदूर था जिसके 2.5-3 महीने हुए थे, स्वभाव से बहुत अच्छा था।
तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यही था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। तो क्या संदीप ने हत्या नहीं की, और उस दिन क्या हुआ वो भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था, और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाजा बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने, वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना था। मतलब ये साफ है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई। हो सकता है एक बार को हम ये मान लें कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आरोपी ही दोषी है, पीड़िता का भाई सच बोल रहा है, लेकिन कॉल डिटेल्स तो सच बता रहा है, कॉल डिटेल्स तो झूठ नहीं बोल रहा, कॉल डिटेल्स तो ये साबित कर रहा है कि पीड़िता का भाई कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है। ये सच है कि पीड़िता की मौत हुई है और उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या न्याय की जल्दबाजी में किसी निर्दोष को तो नहीं फंसाया जा रहा, या किसी झूठ पर तो पर्दा नहीं डाला जा रहा? तो ये जो कॉल डिटेल्स आपने देखी हैं, सबसे पहले जी न्यूज ने इसका खुलासा किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्या ये बातचीत हुई, सच जानने के लिए जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा क्या क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, ये जो कॉल रिकॉर्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं, उसने साफ इससे इनकार कर दिया। पीड़िता के भाई का आप बयान सुनिए। आपकी संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था, क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूंगा, वो लड़का। तो जी न्यूज ही है जिसने सबसे पहले आपको आरोपी और पीड़िता परिवार के बीच ये कॉल डिटेल्स की जानकारी दी थी, और उसके बाद आप देख रहे होंगे अब सभी चैनल्स पर ये जानकारी चलाई जा रही है, कॉल डिटेल्स का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कॉल डिटेल्स का जैसे ही ये खुलासा हुआ, देखिए इस पूरे मामले में पूरी तरह से ट्विस्ट आ गया, एक नया मोड़ आ गया, और जांच जो है वो बिल्कुल उसकी जो दिशा है अब पलट चुकी है। विशाल लगातार इसको फॉलो कर रहे थे, और ये जो कॉल डिटेल्स हैं आप जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बहुत ही अहम सबूत। विशाल, ये जी न्यूज ही तो गया ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले, आपने बात करी वहां पर, पुलिस से बात करी, कॉल डिटेल्स की ये जानकारी जो है वो सबके सामने रखी, और हर पहलू और कॉल डिटेल्स के सामने आने के बाद तो पूरी तरह से जो केस है एक नई दिशा में घूम गया है। देखिए मीमांसा, केस किस दिशा में जाएगा ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी, सीबीआई की जांच जब शुरू होगी वो तय करेंगी, लेकिन जब हम गांव में पहुंचे हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो इस पूरे मामले पर बोलना चाह रहे थे, उनका पक्ष कोई सुनना नहीं चाह रहा था, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। हमने इसीलिए गांव के प्रधान से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आरोपी संदीप और पीड़िता के बीच में प्रेम संबंध पिछले 1.5 से 2 साल से था, और इसके अलावा उन दोनों के घर पर आपस में पंचायत भी हो चुकी थी मामले को सुलझाने के लिए, ऐसा दावा जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि यानी जो उनके बेटे हैं उनकी तरफ से किया गया। इसके बाद हमें एक ओंकार सिंह मिलते हैं जो कि दावा करते हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद हैं, वो पूरी कहानी अपने हिसाब से बयां करते हैं। उसके बाद फिर जब हम डेरी पर जाते हैं, क्योंकि जो दो और आरोपी बनाए गए रामू और लवकुश, उनके बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि घटना वाले दिन वो घटना स्थल के आसपास नहीं थे, ऐसा दावा डेरी मालिक की तरफ से किया गया। लवकुश की मां ने कहा कि उनका बेटा पानी पिलाने गया था, और सबसे बड़ी बात ये जो कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने आया है, इससे ये साफ होता है कि पीड़िता के परिवार से कोई ना कोई आरोपी संदीप के साथ संपर्क में था। भाई से जब हम सवाल पूछते हैं, भाई साफ मना करते हैं, मैं उससे क्यों बात करूंगा, वो तो मुझसे छोटा है, मेरी तो उससे बनती नहीं है। तो फिर अगर भाई जिसके नाम पर ये मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अगर उसने बातचीत नहीं की तो फिर कौन आरोपी संदीप से बातचीत करता था, सवाल एक ये यहाँ पर उठता है। दूसरा, अगर अब हमें पीड़िता को सही मायने में न्याय दिलाना है तो इन सभी एंगल पर जांच होना बहुत जरूरी है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचना जांच
एजेंसियों का कोर्ट का काम है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो पक्ष सामने आ रहे हैं, उन सभी को हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं ताकि सभी हाथरस की बेटी की मौत हुई है उसे जरूर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यह है सभी पहलुओं को सामने रखने का कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी वजह से ये जो जांच है, जो अब दिशा जो बदल गई है, जो आरोपी का पक्ष है वो भी सामने आना चाहिए, उनकी ओर से क्या बातें कही जा रही हैं, कहीं वो ना फंस जाएं और वो निर्दोष हो। तो आरोपी और जो पीड़ित है, पीड़िता के परिवार से बात की है विशाल पांडे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर, स्थानीय लोगों से बात की है वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, और साथ ही साथ जो आरोपी के परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही खेत है जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना हुई थी 14 सितंबर को। पीड़िता की माँ इस खेत में चारा काट रही थी और पीड़िता भी इसी खेत में चारा काट रही थी। पीड़िता तरफ से और परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया गया उसके मुताबिक यहाँ से ये कुछ ही दूरी पर, लगभग 50 मीटर की दूरी पर, ये बाजरे का एक और खेत है जहाँ पर आरोपी ने पीड़िता को खींचा, ऐसा आरोप लगाया गया। अब आप देखिए ये 50 मीटर की कुल दूरी है और वो एग्जैक्ट जगह यहाँ पर है जहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, इस जगह को बताया जा रहा है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ से ये दूरी महज 50 मीटर की होगी जहाँ पर पीड़िता की माँ चारा काट रही थी, और इस जगह को बताया जा रहा है कि यहीं पर पीड़िता को खींचा गया, जबरन खींचा गया, गला घोटा गया, चुनरी से उसको खींचा गया, इस तरह के आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाए गए। अब यहाँ पर आपको हम एक दूसरी तस्वीर यहीं से दिखाते हैं, जो आप पीछे का खेत देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे लवकुश जिसे आरोपी बनाया गया है वो अपनी माँ के साथ इस खेत में चारा काट रहे थे। लवकुश की माँ ने जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि जब हमने देखा कि वो यहाँ पर मेड़ पर पड़ी हुई है पीड़िता, तो लवकुश पानी लेकर आता है उसे पिलाने के लिए, और यहाँ पर एक चश्मदीद जो गुजर रहे थे ओंकार, उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर पीड़िता पड़ी हुई है, माँ चारा काट रही हैं, और उन्होंने जो बयान दिया उनके मुताबिक ये बयान पूरी तरह से अलग था, इस घटना को उन्होंने पूरी तरह से अलग बताया। अब कौन सही है कौन गलत है, हम आपको दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। तो जब हम तस्वीर को देखते हैं तो कई बार हम बस ऊपरी सतह पर जो दिखाई दे रहा होता है उसी से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि तस्वीर के बहुत से पहलू हैं और हर पहलू को देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और जी न्यूज ही है जिसने सबसे पहले आपको आरोपी पीड़िता परिवार की कॉल डिटेल्स की जानकारी दी, पीड़ित परिवार से बातचीत का वायरल ऑडियो और पैसे को लेकर बातचीत का ऑडियो आपको सुनाया, पीड़िता से रेप की खबर को झूठ साबित किया, पीड़िता की जीप काटने की जो अफवाह फैलाई गई थी वो झूठी निकली, ये सच आपको जी न्यूज ने दिखाया, पीड़िता के परिवार का बयान आपको सुनाया, आरोपी पक्ष के परिवार का बयान, पुलिस और प्रशासन का पक्ष, हाथरस में हिंसा की साजिश जिसमें कनेक्शन जुड़ा पीएफआई के साथ, पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी, इससे जुड़ी खबर हमने आपको कल दिखाई थी, पीड़िता के इलाज में परिवार की लापरवाही, ये जो एफिडेविट दाखिल किया गया है सरकार की ओर से कोर्ट में उसमें ये जानकारी दी गई है कि डॉक्टरों की तो ये सलाह थी कि स्पाइनल इंजरी सेंटर में एक जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वहां पर इस पीड़िता को भेजा जाए, लेकिन सरकार जो परिवार है वो इसके लिए रजामंद नहीं हुआ। तो ये सभी पहलू हैं और इसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, लेकिन हर तस्वीर, हर जानकारी, हर खबर का हर पहलू आपके समक्ष रखा है जी न्यूज ने। अब आपको बताते हैं यूपी सरकार ने हलफनामा जो दाखिल किया उसमें क्या क्या बातें कही, हिंसा भड़काने की किस तरह से तैयारी की जा रही थी, बाबरी केस को लेकर हाई अलर्ट था, इंटेलिजेंस इनपुट का जिक्र इसमें किया गया है, भीम आर्मी की राजनीति, हजारों लोगों के जुटने की तैयारी थी, ये जानकारी दी गई है हलफनामे में, और अंतिम संस्कार जो हुआ वो परिवार की रजामंदी से हुआ, परिवार की मर्जी से हुआ, ये हलफनामे में जानकारी दी गई है राज्य सरकार को। हालांकि जो पीड़ित जो पक्ष है वो लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है कि उनकी मर्जी नहीं थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी आपको याद होगा जब पुलिस के वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे परिवार वाले। तो ये जो सारे पहलू हैं, सारे पक्ष आपके सामने हमने रखे हैं, निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच रहे हैं, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, लेकिन हर तस्वीर को आपके सामने रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सच्ची खबर आप तक पहुंचाएं और खबर से जुड़ी हर जानकारी और हर तथ्य आपके सामने रखा जाए।
और ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो फेक न्यूज है, ये एक नैरेटिव है जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ। ये जो विपक्षी दल है लगातार इसमें इसको सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश करते रहे हैं और हर तरह की अफवाहें भी फैलाई गई हैं, पीड़िता की जीप कट गई ये जो झूठी अफवाह भी फैलाई गई, पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करना ये भी जो जानकारी है इसको लेकर अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन सच क्या है, अब वो सच तक जाने की जी न्यूज की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ हाथरस को लेकर तो ये हंगामा हो रहा है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि बलरामपुर रेप पर ये आखिरकार इतनी बड़ी चुप्पी, ये खामोशी क्यों पसरी हुई है? न तो राजनीतिक दलों को फुर्सत है वहां पर जाने की और न ही मीडिया चैनल्स को फुर्सत है वहां पर जाने की, क्योंकि वो पॉलिटिकली कुछ दलों को सूट नहीं करता है। और बलरामपुर का जो सच है उसके तह तक भी हमारी जाने की जरूर कोशिश रहेगी, उससे जुड़े जो तथ्य हैं वो आपके सामने लाए जाएं, क्योंकि यहाँ लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध हो रहे हैं, उससे जुड़ा सच हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने रखा जाए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस पर जितना ज्यादा हल्ला हंगामा कर रहे हैं, बलरामपुर पर उतने ही खामोश हैं। बलरामपुर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी जब आप ढूंढेंगे तो अंत में सोशल मीडिया का नाम सामने आएगा। हाथरस के मामले में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए हाथरस की घटना के बारे में कई गलत जानकारियां फैलाई गई, इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया। देखते ही देखते कई न्यूज चैनलों ने वो झूठी खबरें दिखानी शुरू कर दी जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। अब हम आपको हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बीच एक तुलना दिखाते हैं। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगहों पर पीड़िता दलित है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और उसकी मौत हो गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि बलरामपुर में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस के मुख्य आरोपी का नाम संदीप है, जबकि बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम शाहिद और साहिल है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में हैं। दोनों ही जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन बलरामपुर के मामले में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को क्यों छोड़ दिया, ये बात हैरान करती है। तो राहुल और प्रियंका पैदल 200 किलोमीटर दूर हाथरस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यूपी का ही बलरामपुर उन्हें बहुत दूर लगता है। इस मामले पर जो सियासत हो रही है, सियासी दलों को क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है, इसको लेकर आज बड़ी बहस हम सुबह 10 बजे करने वाले हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि सच की तह तक जाया जाए और सच आपके सामने रखा जाए, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं इस बात में कि जहां सच भी हो, सबूत भी हो और संवेदना भी हो, यही है जी न्यूज की प्राथमिकता। क्योंकि आप हमसे सवाल करते हैं और इसीलिए हम भी सरकार से सवाल करते हैं, और जो एक कोई भी खबर के साथ जो अलग अलग पहलू अलग अलग तस्वीर जुड़ी होती है उसकी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश हमारी लगातार जारी है। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।